श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हूँ। आज अमावस्या है, जिसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। आज इसे कुश ग्रहणी अमावस्या इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन उखाड़ी गई दूबनी सत्व नहीं होती है, इसे आवश्यकता अनुसार अर्थात ग्रहण आदि के समय उपयोग में लिया जा सकता है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में कल भादवा शुक्ल एकम का क्षय होने से तथा भादवा शुक्ल आठम को राधा अष्टमी होने से आज से राधा अष्टमी की 8 दिवस की बधाई प्रारंभ होती है, जिसके तहत प्रभु श्री जी की सेवा में आज से प्रतिदिन अष्ट सखियों का प्राकट्योत्सव मनाया जाता है। इस भाव से 8 दिवस तक नित्य नूतन श्रृंगार भोग और कीर्तन गान होता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि पुष्टि मार्ग में राधा जी को श्री स्वामिनी जी स्वरूप मानते हुए प्रभु की अर्धांगिनी का जन्मोत्सव अष्टमी को मनाया जाता है। श्री राधिका जी प्रभु श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, यह तो हम जानते ही हैं। षोडश कलायुक्त प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, जिनका अर्धांग श्री राधा है, अतः 8 दिवस की बधाई बैठती है। श्री राधिका जी की भी 8 सखियां हैं, इस भावना से 8 दिवस की यह झांझ की बधाई कहलाती है। आज के दिवस की एक और विशेषता है, पुष्टि मार्ग में आज की अमावस्या जोगी लीला के लिए भी प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्ग की हवेलियों में प्रभु के सन्मुख जोगी लीला का मंचन होता है। हालांकि प्रभु श्री जी के मंदिर में ऐसा कोई आयोजन नहीं होता है, क्योंकि प्रभु श्री जी में महादेव जी को प्रथम वैष्णव माना है और प्रतिदिन माला बोलने पर आप श्री जी दर्शन के लिए पधारते ही हैं। यह भी हम जानते हैं कि श्रीनाथ जी मंदिर के पास ही महादेव जी की घाटी में मंदिर स्थित है शिव जी का, जहां पर बूढ़ा महादेव के नाम से महादेव जी विराजमान हैं और उन्हें राजभोग से पहले माला बोलने पर आमंत्रित किया जाता है दर्शनों के लिए। फिर आज की इस जोगी लीला के पीछे का भाव देखते हैं। श्री कृष्ण जन्म की एक घटना के साथ यह जुड़ा हुआ है, जिसके अनुसार आज के दिन भगवान शंकर बालक श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे थे। यह सनातन संस्कृति में सर्वज्ञात है कि भगवान शंकर जी साकार ब्रह्म के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए पधारे थे। मैया यशोदा को जब पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं, तो उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शंकर जी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं, इससे मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे लाला के दर्शन करने हैं। यह जानकर यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने खिड़की से शंकर जी के दर्शन किए, जिन्होंने बागंबर पहन रखा था, गले में सर्प है, भव्य जटा है और हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं। मैया यशोदा ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। एक तरफ माता यशोदा चिंताग्रस्त थीं, तो दूसरी तरफ भगवान शंकर को प्रभु के बाल स्वरूप के दर्शन करने थे। दोनों की भावनाएं जानकर प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी लीला की ओर रोना प्रारंभ किया। कुछ इस तरह का घटनाक्रम बना कि माता यशोदा को यह समझाया गया कि साधु की नज़र प्रभु को लग गई है, अतः मुनि शांडिल्य को बुलाया गया। उन्होंने सब कुछ जानकर मैया यशोदा से कहा कि साधु को दर्शन कराइए, सब ठीक हो जाएगा। माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण को तैयार करती हैं, नज़र न लगे इसके लिए काला टीका भी लगाती हैं और प्रभु के दर्शन भगवान शंकर को करवाती हैं। भगवान शंकर प्रभु के दर्शन कर अपना सर्वस्व वार देते हैं। यह इसका संक्षिप्त वर्णन है, बाकी तो विस्तृत वर्णन भागवत आदि सभी ग्रंथों में किया गया है। इसी भाव से पुष्टि मार्गी हवेलियों में जोगी लीला का मंचन किया जाता है। वैसे इस प्रसंग का आधार सूरदास जी द्वारा गाया गया एक पद भी है, जिसमें इस लीला का पूरा वर्णन है। पद का शब्दांकन कुछ इस प्रकार है, आयो है अवधूत जोगी कन्हैया दिखलावे हो माई, हाथ त्रिशूल दूजे कर डमरू सिंगी नाद बजावे, जट जटा झूठ में गंग बिराजे गुण मुकुंद के गावे हो माई, भुजंग को भूषण भस्म को लेपन और सोहे रुंड माला, अर्ध चंद्र ललाट बिराजे ओड़न को मृगछाला, संग सुंदरी परम मनोहर वाम भाग एक नारी, कहे हम आए काशीपुरी ते वृषभ किए अस्वारी।
कहें यशोदा सुनो सखियों इन भीतर जिन लाओ, जो मांगे सो दीजो इनको बालक मति दिखाओ, अंतर्यामी सदा शिव जान्यो रोदन कियो अति गाढ़ो, हाथ फिरावन लाई यशोदा अंतर पट दे आड़ो, हाथ जोरी शिव स्तुति करत है लालन वदन उघार्यो, सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्वस्व वार्यो। अद्भुत भारतीय संस्कृति के दर्शन है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु आज भादवा कृष्ण पक्ष अमावस्या है, बुधवार 19 अगस्त 2020। श्रीनाथ जी में आज से राधा अष्टमी की बधाइयां प्रारंभ हो रही हैं, अतः इसी भाव के श्रृंगार धराए जाते हैं। हे दैया मत वाला जोगी द्वार मेरे आया है, हे दैया मत क्योंकि आज से उत्सव की बधाई बैठ रही है, अतः श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल बांधी जाती है। आज भोग विशेष कुछ नहीं होता है, परंतु राजभोग में अनसखड़ी में श्रीजी को दाग कर रायता अरोगाया जाता है। साज सेवा में आज लाल रंग की मलमल पर रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल एवं चरण चौकी के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा, जारी जी, बंटा जी आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के आते हैं। चांदी की दृष्टि जी भी धरी जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मलमल की धोती तथा राजशाही पटका धराया जाता है। वहीं प्रभु को ठाड़े वस्त्र आज केसरी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आवरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची आदि सभी आवरण मोती के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर केसरी रंग की गोल पाक के ऊपर सिर पेच लूम तथा मोती की गोल चंद्रिका कतरा तथा बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्रीकर्ण में कर्णफूल धराए जाते हैं। हीरे मोती की एक माला जी हमेल की भांति भी धराई जाती है। गुलाब के पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली दो माला जी भी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, हरे मीणा के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ धराई जाती हैं। खेल के साज में आज पट लाल एवं गोटी मीणा की धराई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में बधाई है बरसाने आज, राजभोग में आज ब्रशभान के आनंद, आरती में मेरे मन आनंद भयो, शयन में भादो की उजियारी, पोड़वे के पद में ग्रह आवत गोपी जन कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जय श्री कृष्ण। चंद्रमा पर जोगी जुगत बनाया है, हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है, हे दैया। अब चलकर कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है, हे दैया मतवाला जोगी द्वार मेरे आया है, जटा जूट सिर गंग बिराजत फ्रेलो मन भाया है,
सब ऊपर असवार हो के श्री गोकुल को धाया है, प्रसव ऊपर असवार हो के श्री गोकुल को शेषनाग लपटाया है, कुंड माल घर बीच विराजत शेषनाग लपटाया है, अद्भुत रूप धरो जोगी को मेरो गोपाल डराया है, अद्भुत रूप धरो चटक लगाया है, और देखो मैया तेरा बालक जिन मोहे चटक लगाया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, देखते रहिए दिव्य शंकरा। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सन्नाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, हरीश तिवारी, जतिन सन्नाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका सा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से आभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।